हेलो एवरीवन वेलकम आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेशन कोफिशन को निकालने के अगले तरीके को थर्ड मेथड को जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड हम लोग कॉलपियरशन कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस कर रहे हैं अब तक हम लोगों ने दो मेथड्स कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है मैंने आपको बहुत लाइक like, मिनिमलिस्टिक तरीके से उन दोनों मेथड के यूजर्स को एक्सप्लेन किया है मतलब क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने काफ़ी कम बनाए बट उसको हम लेटर ऑन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे फिलहाल मैं बस आपको फॉर्मूला और उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ये सिखा रही हूँ और दो मेथड कंप्लीट कर चुके हैं एक्चुअल मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। आज के क्लास में शॉर्टकट मेथड पे चलेंगे सबसे पहले बात करेंगे फार्मूला हम क्या यूज करें करेंगे केस ऑफ शॉर्टकट मेथड और उस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और तीसरा तरीका है शॉर्ट कट मैथड शॉर्टकट मेथड में आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाय एन इंटू रूट अंडर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाय एन तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कभी शॉर्टकट मेथड के केस में जहाँ पे आपने एक्स और वाई जो भी लेना है ये सारे स्मॉल से फार्मूले में इंडिकेट किए गए हैं इसका मतलब है कि हमारा जो भी एक्स और वाई है ये डेविएशन के साथ लिया गया है तो क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड एंड क्वेश्चन में मान लीजिए कि दिया हुआ है प्राइस दिया हुआ है एक तरफ और डिमांड दिया हुआ है एक तरफ प्राइस है रुपीज में डिमांड है के जी में प्राइस गिवन है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और डिमांड गिवन है थर्टी के जी ट्वेंटी नाइन के जी ट्वेंटी नाइन के जी के जीज ट्वेंटी फाइव के जीज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन एटीन एंड फिफ्टीन के ये क्वेश्चन है जो हमारा गिवन है अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में प्राइसेस और डिमांड गिवन है और बतलाइए काल्पिएशन को इफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड ठीक तो चलो भाई शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग कॉलपएशन को ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं तो सबसे पहला जो हम स्टेप लेंगे इस मेथड में वो स्टेप होने वाला है कि हम पहले कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपको इस मेथड में ड्रॉ करने हैं वो आपको करने हैं सेवन सात कॉलम्स आप बनाओगे अब क्या करना है हम लोगों को सबसे पहले तो पहले कॉलम में हम एक्स का वैल्यू लिख लेंगे क्वेश्चन में प्राइस और डिमांड दिया हुआ है तो हम दोनों में से किसी एक को एक्स और अगले को वाई मान लेंगे ठीक है प्राइस को यहाँ पे हम एक्स मीन करेंगे और डिमांड को यहाँ पे हम वाई मीन करेंगे तो प्राइस में जो भी डिजिट हमारे पास गिवन है एक्स सीरीज में हम वो लिख लेते हैं इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and 20 अब क्या करेंगे सबसे पहले तो एक्स सीरीज का वैल्यू हमने लिख लिया और आप वन बाय वन करके अगर बात करें तो अगले स्टेप में हम लोगों को डेविएशन निकालना है और डेविएशन हम कैसे निकालते हैं तो एक्चुअल वैल्यू का मीन वैल्यू के साथ मीन वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं एक्चुअल मीन मेथड में हम लोगों ने देखा मीन वैल्यू को हम सबका सम करते हैं एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन्स के साथ डिवाइड करके मीन वैल्यू निकाल लेते हैं बट इन दिस केस चूंकि हम शॉर्टकट मैथड एक्सप्लेन कर रहे हैं तो शॉर्टकट मैथड में हम मीन को कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि हम मान लेंगे जिसको हम कहेंगे अज्यूम्ड मीन और ये मीन हम इस एक्स सीरीज में से किसी भी एक वैल्यू को मान सकते हैं मान के चलें कि हम 20 को मीन मान रहे हैं ठीक है मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे ट्वेंटी को मीन मान रहे हैं तुम किसी को भी मान सकते हो रैंडमली आप किसी भी एक वैल्यू को अगर मीन मानते हैं तो आपका आंसर जो है वो वही आएगा जो आना है तो मान लो कि चलो ट्वेंटी को नहीं फिफ्टीन को मान के चले तो यहाँ पे हमारा ज्यूम मीन हो गया क्या फिफ्टीन अब हम डेविएशन निकालेंगे कैसे एक्स माइनस ए करेंगे यानी कि इलेवन माइनस फिफ्टीन करेंगे वैल्यूज को तो इसी तरह से 11 माइनस फिफ्टीन रिज़ल्टिंग वैल्यू माइनस फोर ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन रिजल्टिंग वैल्यू माइनस थ्री थर्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस टू फोरटीन माइनस फिफ्टीन माइनस वन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन जीरो सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन प्लस वन सेवनटीन माइनस फिफ्टीन प्लस टू एटीन माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री नाइनटीन माइनस फिफ्टीन प्लस फोर एंड ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव ओके अब हमने क्या करना है इसका सम कर लेना है सम ऑफ एक्स सम ऑफ एक्स करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल होता जाएगा फोर तक कैंसिल आंसर आएगा प्लस फाइव आंसर नहीं है मतलब सम जो है वो प्लस फाइव आया अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि जो हमने डेविएशन का वैल्यू निकाला एक्चुअल वैल्यू के साथ मेन वैल्यू को घटा के अब हमको क्या करना है अगले कॉलम में इसका स्क्वायर करना है डेविएशन वाले वैल्यूज का स्क्वायर करना है माइनस फोर इंटू माइनस फोर सिक्सटीन माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री नाइन माइनस टू इंटू माइनस टू फोर माइनस वन इंटू माइनस वन वन ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो वन इंटू वन वन टू इंटू टू फोर थ्री इंटू थ्री नाइन फोर इंटू फोर सिक्सटीन फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव क्या करेंगे सम ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर कर लो तुम यहाँ पे एंड फोर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर्टी फाइव एंड टेन फोर्टी फाइव एंड टेन फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव एंड ट्वेंटी सेवेंटी फाइव और टेन एट्टी फाइव सम आ गया कितना एक्स स्क्वायर आपका एट्टी फाइव अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में ये एक्स सीरीज का काम खत्म हो गया ना वाई सीरीज तो वाई सीरीज के जितने भी वैल्यूज़ गिवन थे हम सबसे पहले तो उसको लिख लेंगे थर्टी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर उसके बाद वैल्यूज़ मैंने मिटा दिए हैं बट उसके बाद भी है वैल्यूज़ जैसे कि ट्वेंटी वन एटीन और फिफ्टीन यही वैल्यूज है यस yes. अब क्या करना है हम लोगों को तो जैसा एक्स सीरीज के साथ काम किया सेम काम वाई सीरीज के साथ करेंगे क्या काम करना है डेविएशन निकालना है कैसे एक्चुअल वैल्यू का मीन वैल्यू के साथ मीन वैल्यू क्या मानेंगे एक्स सीरीज में जैसे आपने वैल्यूज को एक को मीन मान लिया ठीक वैसे ही y सीरीज में भी आप किसी एक वैल्यू को अज्यूम मीन मान लेंगे ज़रूरी नहीं है कि हमने x सीरीज में पांचवें नंबर के वैल्यू को मीन माना तो y सीरीज में भी करेंगे ये जरूरी बिल्कुल नहीं है बट आप किसी भी एक वैल्यू को मान सकते हैं लेट्स अज्यूम 24 क्योंकि ये काफ़ी टाइम्स आया है तो हमारे तीन वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा ओके okay, तो हम यहाँ पे ए जो है अज्यूम मीन ट्वेंटी को मान लेते हैं थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी फ़ोर फाइव ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर जीरो ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर ज़ीरो यहाँ पे भी ज़ीरो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फ़ोर माइनस थ्री एटीन माइनस ट्वेंटी फ़ोर माइनस सिक्स फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा तो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फ़ोर हो जाएगा आपका माइनस नाइन क्या करेंगे सम ऑफ वाई करेंगे सबको जोड़ना है आपको सबसे पहले तो तो यहाँ माइनस प्लस माइनस आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है ये माइनस सिक्स और ये प्लस सिक्स तो कैंसिल और क्या करना है नाइन एंड थ्री इलेवन फाइव फाइव टेन और इलेवन ये सब कैंसिल हो गया डेल्टा वाई जो सिग्मा uh, वाई जो आएगा वो आपका आ जाएगा अच्छा एक सेकेंड यहाँ देख लो जरा बारह ओके इट्स ट्वेल्व तो यहां पे जीरो नहीं बचेगा नाइन एंड थ्री ट्वेल्व होगा तो यहां पे आपका बचेगा वन और हम ध्यान देंगे साइन क्या होगा हमारा तो साइन जो होगा वो होगा माइनस वन क्योंकि माइनस के वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा हैं माइनस ट्वेल्व प्लस इलेवन तो माइनस वन एक बच जाएगा अब क्या करेंगे हम इस डेविएशन वाले वैल्यूज का हम करेंगे स्क्वायर सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स ये आपको क्रॉस और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है मैं सॉल्व करने के लिए आपको बतला रही थी सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी जीरो इंटू जीरो 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 थ्री इंटू थ्री नाइन सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स थर्टीन टू हंड्रेड एंड थर्टीन आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू ठीक है प्लस में अब क्या करना है हमको एक जो कॉलम बच गया ना इसमें x इंटू वाई करेंगे ये डेविएशन वाला x और ये डेविएशन वाला y x इंटू वाई करना है हम लोगों को और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वो हम लोग क्या करेंगे तो उस कॉलम में फीड करेंगे प्रोडक्ट वैल्यू को तो x और y को मल्टीप्लाई करते हुए हम वहाँ पे लिखेंगे और x में है माइनस फोर वाई में है प्लस सिक्स तो माइनस फोर इंटू सिक्स प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए माइनस ट्वेंटी फोर नेक्स्ट है थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन टू इंटू फाइव माइनस टेन वन इंटू वन माइनस वन ज़ीरो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो फिर टू इंटू जीरो जीरो फिर थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन फिर फोर इंटू सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर फिर फाइव इंटू नाइन माइनस फोर्टी फाइव सम ऑफ एक्स वाई करेंगे हम लोग प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे सारे डिजिट्स हमारे माइनस में हैं तो सब ऐड होगा और माइनस का साइन लग जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी एट प्लस टेन फिफ्टी एट प्लस सिक्सटीन सेवेंटी फोर प्लस नाइन एटी थ्री प्लस फोर्टी फाइव वन ट्वेंटी एट तो सम टोटल आ रहा है हमारा वन ट्वेंटी एट माइनस में माइनस वन ट्वेंटी एट अब देखिए सारे इन्फॉर्मेशन जो जो हमको चाहिए थे वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इसी तरह से आपको सम कर लेना है हमने यहाँ पे एक चीज़ है छोड़कर बाकी सबका सम कर लिया और वो है ओरिजिनल जो एक्चुअल वैल्यूज दिए हुए थे उनका सम नहीं चाहिए वहां पे आप n बराबर जरूर लिख लें काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वाई सीरीज में भी n बराबर टेन होगा क्योंकि दोनों सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन इक्वल होंगे अब क्या करना है हमको फॉर्मूला यूज करेंगे और कोरिलेशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बतलाया स्टार्टिंग में उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोइफिशेंट और आर बराबर क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई कितना है सिग्मा एक्स वाई माइनस वन ट्वेंटी एट माइनस सिग्मा एक्स कितना है स्मॉल एक्स यानी कि फाइव इंटू सिग्मा वाई कितना है हमारा सिग्मा वाई आया है माइनस वन डिवाइडेड बाय एन एन बराबर कितना है टेन होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया एक्स स्क्वायर का सम एटी फाइव माइनस सिग्मा एक्स कितना है फाइव फाइव का स्क्वायर बाय टेन एन है ना

अच्छा नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका एटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टेन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई टेन फाइव बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो कटेगा ऊपर नीचे ठीक इसी तरह से टू वन थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन बाय टेन ठीक है अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं यहीं पर इसको सॉल्व करो माइनस वन प्लस जीरो प्लस माइनस माइनस तो इसको मैं यहीं पे माइनस के साइन के साथ लिख दूँ 127.5 माइनस में तो क्या चलेगा हाँ देख लीजिए जरा 127.5 जो है वो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है कि जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया है और नीचे में जो वैल्यूज़ हैं उसको भी पॉइंट में लाते हैं और यहाँ पे एट्टी फाइव माइनस फाइव बाई टू को एट्टी फाइव माइनस फाइव बाई टू को टू पॉइंट फाइव लिख सकते हैं है ना इन टू टू वन थ्री माइनस वन बाय टेन को जीरो पॉइंट वन जीरो लिख सकते हैं ओके अब क्या करें कि हम लोग इन वैल्यूज को सॉल्व कर देते हैं ठीक है मतलब घटा देते हैं तो ऊपर में तो वन ट्वेंटी सेवन माइनस वन बचा नीचे 85 में 2.5 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 82.5 टू पॉइंट फाइव रूट में इन टू टू वन थ्री में जीरो पॉइंट वन चला जाएगा तो बच जाएगा टू वन टू पॉइंट नाइन ओके नाउ जो सिखाया था आप वही वो, वो भी काम कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को और दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसका रूट वैल्यू निकाल सकते हैं वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव और दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप इसका रूट वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा वन थ्री टू पॉइंट फाइव थ्री ये आपका रूट वैल्यू आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तब एंड रिजल्टिंग वैल्यू आएगा आपका माइनस में क्योंकि माइनस का साइन है और जब आप दोनों वैल्यूज को एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.96 ध्यान दोगे आर बराबर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.96 इसका मतलब है कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड देख लीजिए क्लियर है ये अब यहां पर हमने कोरिलेशन को इफिशेंट निकाल लिया है कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मैथर्ड जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग किस तरह से कितने कॉलम्स में हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों ने वो देख लिया और अब आपने ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला याद कर लेना है और स्टेप्स आपको पता होने चाहिए किस तरह से हम कौन कौन से स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ठीक इसी तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर सकते हैं तो इसी के साथ शॉर्टकट मेथड हमारा कंप्लीट हो जाता है और कॉलपएशन कोफिशेंट कोरिलेशन के तीसरे तरीके को भी आज हम लोगों ने देख लिया डिस्कस कर लिया नेक्स्ट मेथड जो रह जाता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका फार्मूला और उस फार्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन वो सिखाऊंगी और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे थैंक यू